रीवा जिले में नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग के द्वारा रीवा के पंचमठ मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संतोष त्रिपाठी, सांख्यिकी अधिकारी जेडी कार्यालय प्रवीण द्विवेदी, डीपीसी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। इस अवसर पर डीईओ सुदामा लाल गुप्ता ने बताया कि 1 जून से नवीन शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है। इस बार से छात्रों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाई है, आने वाले वर्षों में इसी तरह से छात्रों की प्रगति होती रहे, इसके लिए नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले रीवा के पंचमठ में बिहार गंगा महाआरती का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। पंचमठ मंदिर में बीती शाम शिक्षा विभाग के द्वारा कराए गए इस आयोजन में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त कई शिक्षक अपने परिवार के साथ भी शामिल हुए। मैं जिला शिक्षा अधिकारी मेरे बनने के बाद ये प्रथम शैक्षणिक सत्र 1 जून से शिक्षकों के लिए और 16 जून से छात्रों के लिए खुल रहा है, तो भविष्य में छात्रों की उन्नति हो, शिक्षा सत्र में बच्चे अधिक से अधिक शिक्षा अध्ययन करके जिले का नाम रोशन करे, छात्र कल्याण हित में यह आयोजन किया गया। अब हाँ, माननीय कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत के निर्देशानुसार इस बार कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट को 80% का टारगेट अभी से ही देकर के प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कड़ाई हुई है और उनके जो फीस की बेतहाशा वृद्धि थी, आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, तो माननीय कलेक्टर महोदय ने पिछले साल की फीस को यथावत रखा। इस साल कोई भी फीस की बढ़ोतरी करने की अनुमति उनको नहीं दी गई है और पुरानी फीस को यथावत किया गया है। अब जैसी भगवत इच्छा है, छात्र हित में अच्छे अच्छे कार्य होते रहे, आध्यात्मिक कार्य होता रहे, भी एक शिक्षा का ही अंग है।